मैं बॉन्डिता को इस हवेली में वापस लाऊंगा। लेकिन दादा, आज मुझे मत रोकना सो, क्योंकि अगर मैं आज रुक गया ना तो दोबारा अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। जमाई बाबू मुझे माफ कर दीजिए, बॉन्डिता ने ये सब मेरे लिए किया, उसने हर झूठ सिर्फ मेरे लिए कहा, सारी गलती मेरी, तेरे जमाई बाबू दूर हो रहे मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। एक ही उपाय है, दहेज की चार बकरी। तू जमाई बाबू को कुछ नहीं कहेगी, वरना मैं नदी में कूद जाऊंगी। तुम्हें सिर्फ भगवान का नाम जपना होगा, करोगी जो मैंने कहा? करूंगी मैं, बस मेरी दीदी का विवाह बच जाए। अपनी पसंद की बकरियां खरीद लो और बचा लो अपनी शादी। कहा था साथ रहूंगा, बनूंगा मैं तेरा साया, पर तेरे संग कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। तू गई तो क्यों न जाने कोई कमी सी लागे रे, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बॉन्डिता तू पागल हो गई है क्या? ये कब तक तेरी और तेरी माँ के होश आने का इंतजार करेंगे? अब इनको देरी हो रही है कलकत्ता जाने के लिए, चल चल जल्दी कर। अब तो हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकते, हमें गांधी जी के पास सही समय पर जाना है। गांधी जी अनुशासन और समय के बहुत पाबंद है, हम चले। नहीं नहीं, बॉन्डिता चलेगी ना आपके साथ। बॉन्डिता उठ वहाँ से, तुझे जाना है ना गांधी जी से मिलने, इसे बहुत जरूरी है गांधी जी से मिलना, आप लेके जाइए इसे। आए बॉन्डिता चल चल। बॉन्डिता तो पागल हो गई है क्या? अगर दीदी को होश आ गया तो क्या वो तुझे जाने देगी कलकत्ता गांधी जी से मिलने? वो तुझे गांव वालों के डर से अकेले गांव में नहीं जाने देती, तो कलकत्ता अकेले जाने देगी? देख बॉन्डिता, दीदी के होश में आने से पहले ही तुझे यहाँ से जाना होगा। अब तू सोच ले, तुझे अपने माथे से छुरी हुई औरत का दाग मिटाना है ना? इसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए छोड़ी हुई औरत होने के लिए। गांव वालों के गुस्से से अपनी माँ को बचाना है ना? तो जल्दी से तैयार हो जा और चली जाएंगे साथ। गलती तो मेरी है संपूर्णा,
मैं ही नहीं समझ पाया बोनता की चुप्पी, नहीं समझ पाया कि जो लड़की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में बोलने से नहीं डरती, इसे निडर और बेझिझक होकर बोलती है वो, उस दिन चुप क्यों खड़ी थी? बताओ बोनता, क्या मिल रहा था तुम्हें उस विश्वासी का साथ देकर? नहीं सोच पाया कि उसके उसके पीछे कोई कारण होगा। आज मैं बोनता के आगे छोटा हो गया हूँ संपूर्ण। मैं अपने आप को बोनता का शिक्षक समझ रहा था, मुझे लग रहा था मैं उसे पढ़ा रहा हूं, मैं उसे सिखा रहा हूं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो मुझे सिखा रहे। मैं समझ नहीं पा रहा संपूर्णा कि मैं बोनता से आंखें कैसे मिलाऊंगा, कैसे जाऊंगा उसके सामने। जमाई बाप, ये पछतावे का समय नहीं है, वहां गांव में बोनता को आपकी जरूरत है, इससे पहले कि कोई आपको रोके, आप जाइए ले आइए उसे और उसे वो हर सम्मान दीजिए जिस पे उसका अधिकार है, और मिटा दीजिए उसके माथे पे लगा हुआ छोड़ी हुई औरत का दाम। ले आइए आप बोनता को इस घर की बहुरानी बनाकर, ले आइए जमाई बाबू। मुझे जाना ही होगा माँ, बस अपना हाथ रख दे मेरे सर पे माँ, फिर मैं अकेली नहीं होंगी ना माँ, तेरा आशीर्वाद भी होगा मेरे साथ। बोनता चल बेटा, बहुत देरी हो रही है, चल चल चल। माँ को छोड़ के जाने पे इतना दुख क्यों हो रहा है मामी? मैं तो यहाँ वापस आऊंगी ना। ड्राइवर गाड़ी निकालो। अनिरुद्ध, ये पागलपन छोड़ो और अंदर चलो, सगाई है तुम्हारी आज। बाबा मैं इस घर में आऊंगा तो सिर्फ बोनता के साथ। बेकार की जिद छोड़ो और अंदर। जिद नहीं मेरी बाबा, मेरा पश्चाताप है। कौन सी गाली निकालूं साहब? कुछ नहीं निकालना है, तुम जाओ यहां से। क्यों चाहिए ड्राइवर? पश्चाताप तुम्हारा है तो पूरा भी तुम ही करो, उसके लिए हमारा ड्राइवर और हमारी गाड़ी क्यों चाहिए? क्रांति करनी है तो करो ना, पर अपने बलबूते पर करो अनिरुद्ध। सही कहा बाबा आपने, पश्चाताप मेरा है तो मुझे इसे पूरा भी अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। बोनता तू यहाँ से जाएगी तभी तो वापस आएगी ना। मामा मुझसे वादा कीजिए, आप ख्याल रखेंगे मेरी माँ का? हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा। ले जाइए बोनता को। Thank you.
चले। अब हमेशा के लिए इस घर का दरवाजा तेरे लिए बंद होगा पौधे तक, क्योंकि मैंने तुझे जिस बाजार में बेचा है वहां से कभी कोई वापस नहीं आता, कभी नहीं। जी की बातें कर करके कान खा गई है लड़की। वो क्या है ना, बचपन में बादाम नहीं खाए ना तो याद नहीं रहता कुछ। इन्हें तो कुछ नहीं पता, पर मेरे पति बाबू को तो गांधी जी के बारे में सब पता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सभी देशवासी, बल्कि देशवासी ही क्या, विदेशी लोग भी प्यार और सम्मान से गांधी जी बुलाते हैं। पता है बौंदिता, अगर हम उनकी सिखाई बातों को 1% भी जीवन में अपना लेना तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा देश और अच्छे से संवर जाएगा। याद कर लो, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई है। पता है बौंदिता, गांधी जी भी बैरिस्टर हैं और बैरिस्टरी करने के बाद भी वो अपने हाथों से चरखा चलाते हैं और उसी चरखे से खादी के बने वस्त्र भी पहनते हैं। यूं समझ लो कि गांधी जी आत्मनिर्भर भारत की मशाल हैं। पता है बौंदिता, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा है? मैं बताता हूं। रोको, मेरे पति बाबू आए शायद। रोक गाड़ी,
बोंदिता? अच्छा हुआ सही समय पे लड़की को बेहोश करके फूलों की टोकरी में छुपा दिया। बताइए क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो ढूंढ रहा हूं। देखिए दुर्गा पूजा के लिए हम ये फूल शहर लेकर जा रहे हैं, अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो मुरझा जाएंगे, जाने दीजिए हमें। माफ कीजिएगा, मुझे लगा बोंदिता इस बैलगाड़ी के अंदर है। उसकी आवाज, मेरा मतलब है एक लड़की थी वो रघुपति राघव राजा राम गा रही थी, कहीं देखा आपने उसे? मुझे लगा बैलगाड़ी के अंदर उसकी आवाज। गा रही थी? हमने तो यहाँ किसी लड़की को गाते हुए नहीं सुना। छोटी सी है, बहुत चुलबुली सी है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो छोटी सी बच्ची? हाँ हाँ। वो बहुत परेशान करती है? जिसकी विधवा माँ का घर देवपुरी गाँव में है। अरे उसे तो मैंने गांव में देखा था। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि गांव वाले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, वो भी इसलिए कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वो बार बार कह रही थी मेरे पति बाबू आएंगे, मेरे पति बाबू आएंगे। पता नहीं गांव वालों ने उसका क्या हाल किया होगा। अरे आपको बोला ना दुर्गा पूजा के लिए फूल लेकर शहर जाना है, ये फूल मुरझा जाएंगे, जाने दीजिए हमें। माफ करिए। कुछ नहीं पता तुझे, सुदामनी दीदी ही बौदी है, लिख ले अपने दिमाग में। नहीं मैं नहीं मानता ये। सबके सामने हमारी नजरें झुक गई, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। क्या हुआ है बाबा, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कैसे कहूँ, अनिरुद्ध चला गया है बोंदिता को लेने। हाँ तो क्या हुआ, बोंदिता तो अनिरुद्ध की पहली पत्नी है ना, और मैं तो खुश हूँ कि अनिरुद्ध बोंदिता को लेने गया है। मेरे पे लगा लालचन मिटाना जरूरी था, वैसे ही बोंदिता के माथे पर से छुड़ी हुई औरत का दाग मिटाना जरूरी है ना। अनिरुद्ध गया तो है पर मेरे हाथों में सगाई की अंगूठी पहना के गया है। त्रिलोचन काका, बाबा आप मेहमानों को खाना खिलाइए, मिठाइयाँ खिलाइए, तोहफे दीजिए। आज तो खुशी का दिन है, एक नहीं बल्कि दो बहुएं आएंगी। अब अंगूठी नीचे गिर गई थी, ये सिर्फ आपने और मैंने देखा, इसलिए छुप कर मैंने खुद ही पहन ली थी। इस बात का यकीन अनिरुद्ध कैसे करेगा? इस पर तो नहीं करेगा पर इस पर तो करेगा। उसका ध्यान कहीं और ही था, उसे याद ही नहीं उसने क्या किया। और अनिरुद्ध चाहे ना चाहे पूरे समाज के सामने बंद गया है वो मुझसे। अब आराम से लाने दीजिए उसे बोंदिता को,
मंगेतर है वो मेरा। अब जैसे दो से मंगेतर बन गई हूँ, वैसे ही दूसरी पत्नी से पहली पत्नी बनने में ज्यादा समय लगेगा क्या मुझे? बाबा, काका, आप ही बताइए ना कौन है हमारी बॉडी? जल्दबाजी में कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई अनिरुद्ध की सगाई करा के? तुम लोग निश्चिंत रहो, हमने मुंशी को भेजा है बहू के काम, वो आता ही होगा दोनों को लेके। अनिरुद्ध कभी नहीं मानेगा कि उसने सौदामिनी को अंगूठी पहनाई थी। अगर वो बोंदिता को वापस ले आएगा तो सौदामिनी से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। बस अब यही बेहतर होगा कि अनिरुद्ध बोंदिता को ना ढूंढ पाए। मेरे हाथ से ये सोने की मुर्गी निकल ही जाती आज। बस अब मुझे किसी तरह जल्दी हीरा मंडी पहुंचकर इसे एक आंख वाली ताराबाई के कोठे में बेचना है। ए, अरे बोंदिता जा रही थी तो होश आ रहा था सुमति बहन को, फिर अभी तक बेहोश क्यों है बहन? छाड़ो ना, बेहोश है तो है। बोंदिता, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनको दवाई दी है, होश आता ही होगा। बोंदिता कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। बोंदिता, वो तो भाग गई। भाग गई? क्यों भाग गई? कैसे भाग गई? बोंदिता बेचारी छोटी सी है, कितनी जुल्म सहती, छोड़ी हुई औरत है ना, हार कर भाग गई है बोंदिता। नहीं बोंदिता हार कर भागने वालों में से नहीं है। जरूर आप लोगों ने कुछ किया उसके साथ, बताइए मुझे क्या किया आप? हे काली माँ, जामाई बाबू आप ऐसा बोल रहे हो? वाह वाह जामाई बाबू, हाथ छोड़ा बोंदिता का आपने और पकड़ा हमने, घर से निकाला आपने पर घर पे रखा हमने, छोड़ी हुई औरत का नाम दिया, अपमान किया आपने, और हमने तो उसे इस छत के नीचे जगह दी, खाने पीने के लिए दिया, और आप प्रश्न हमारी नियत पे उठ रहे हैं। देखिए जामाई बाबू, ये मायका है बोंदिता का, दो चार बातें ऊंच नीच हो जाती है लेकिन लड़की की इज्जत कभी नहीं जाने दी हमने। अब सुमति दीदी को ही देख लीजिए, मरते मरते बची है बेचारी। और ये सब आपके कारण हुआ है जामाई बाबू। माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, अपना वादा नहीं निभा पाया मैं, मैंने वादा किया था ना आपसे कि बोंदिता की जिम्मेदारी लूंगा मैं, मैं कहा था कि परछाई से ज्यादा उसके साथ रहूंगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया माँ, नहीं निभा पाया मैं अपना वादा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज उसका गांव निकाला है, बाहर निकालो उसे वरना हम खून की नदियां बहा देंगे। खून की नदियां बहा देंगे, बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। बोंदिता, अरे जल्दी चलो थोड़ा। आपकी गांधी जी से मिलूंगी पति बाबू, उन्हें कहूंगी कि आप समझाएं, गांव में सबको मुझे छोड़ी हुई औरत ना कहें।
बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा। क्या हो गया? अब मत आइए, जाइए। चली गई बोंदिता, अब बड़ी शान से दुर्गा पूजा का उत्सव मनाइए। बड़े गौरव के साथ सजा धजा कर दुर्गा माता की मूर्ति लाइए। पर याद रखिए, आज जहां एक और आप दुर्गा माता को ला रहे हैं, आपने एक दुर्गा जो इस गांव की बेटी थी उसे इन्हीं हाथों से भगाया है। इन्हीं हाथों से निकाल बाहर किया है आप सबने। लोगों से क्या कहूं, इसलिए गुनहगार तो मैं हूं मोहब्बत का। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने झूठे घमंड में था। मुझे लग रहा था मैं मोहब्बता का शिक्षक बनकर उसे सिखा रहा हूं, बल्कि हकीकत में मोहब्बता मुझे जिंदगी का सबक सिखा गई, जो छोड़कर चली गई मुझे। छोड़ा हुआ आदमी हूं मैं, हाँ मैं छोड़ा हुआ आदमी हूं। करिए मेरा हर अपमान, वो हर तिरस्कार कीजिए मेरा जो आप लोगों ने बोंदिता का किया था। बोलिए ना, चिल्लाइए, अनिरुद्ध राय चौधरी छोड़ा हुआ आदमी है, मारिए मुझे, बोलिए क्या क्या अपमान कर रहे थे आप बोंदिता के। ये कचरा फेंकिए उस पर, कचरा फेंकिए ना। वो हर अपमान करिए जो आप लोगों ने बोंदिता का किया था, वो हर अपमान जो आप छोड़ी हुई औरत का करते हैं। पति बाबू कह दीजिए ना सबसे, मैं छोड़ी हुई औरत नहीं हूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.